पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहां आकर आनंद लेते हैं। कंपनी गार्डन मसूरी का सबसे पुराना गार्डन है, जिसे कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये गार्डन मसूरी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नाम कंपनी गार्डन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर पड़ा था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम निरस्पल गार्डन रखा गया है। इस गार्डन में आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी गार्डन नए स्वरूप में नजर आ रहा है और यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के फूल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। साथ ही यहाँ झील में बोटिंग का आनंद लेना पर्यटकों को खूब भा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि नगरपालिका द्वारा कंपनी गार्डन को और विकसित किया जाना है और यहाँ पर रखरखाव का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न प्रजाति के फूलों को भी लगाया जाएगा। कंपनी गार्डन को विंगोनिया गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। विंगोनिया के फूलों के साथ ही विभिन्न प्रजाति के हिमालयन पुसलरी यहाँ पर मौजूद है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर कंपनी गार्डन एक नए स्वरूप में नजर आएगा, जिसके लिए नगरपालिका द्वारा टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जो इम्पोर्टेंट जो पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसमें लाखों की संख्या में हर साल पर्यटक आते हैं और वहाँ पे जो सुंदर वातावरण है, वहाँ पे जो बिगोनिया गार्डन के नाम से जो जाना जाता है, बिगोनिया के फूल के तरह तरह के वैरायटी जो हिमालयन पुष्प वहाँ पाए जाते हैं, तो बहुत आनंद वहाँ पर आके पर्यटक लेते हैं। और अभी हमने नया इसमें टेंडर किया है, उसमें हमने कई सारी उनको शर्तें दी है कि आपको इसको जो गार्डन है उसको अपग्रेड करना है, उसमें जो टूट फूट हो रखी है उन सबको सही करना है, पूरा पेंट करना है, और इसके साथ साथ जो गार्डन और नर्सरी का एरिया है उसको भी फिर से रीडेवलप करके नई तरीके से बनाना है। और 6 महीने का उन्हें टाइम दिया हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे कंपनी गार्डन और बेहतर होगा और वैरायटीज़ के फूल वहाँ पे लाए जाएंगे, लगाए जाएंगे, ताकि जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं वो उसका आनंद ले सकें। लोग कंपनी गार्डन में यहाँ की सुंदर वादियों और फूलों का आनंद लेने आते हैं। वहीं उज्जैन से आया पर्यटक चेतन सिंह ठाकुर ने बताया कि काफी लंबे सफर के बाद वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर उनकी सारी थकान मिट गई है। उन्होंने कहा कंपनी गार्डन बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल है। जी, मेरा नाम चेतन सिंह ठाकुर है और मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ और काफी लंबा समय लगा हमें यहाँ आने में। बाकी यहाँ आने के बाद में सारी थकान दूर हो गई, स्पेशली कल मसूरी में जो हमने मॉल रोड देखा, सुबह हम केम्प्टी फॉल गए और अब ये गार्डन वगैरह देख के दिल प्रसन्न हो गया। कंपनी गार्डन में चारों तरफ हरियाली और फूलों के साथ साथ बच्चों की कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ जाने के बाद बच्चे अधिक एंजॉय कर पाते हैं। इस गार्डन के अंदर एक कृत्रिम झरने के साथ मैक्स म्यूजियम भी है, जिसके अंदर बड़े बड़े हस्तियों महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, आइंस्टीन, ब्रूसली आदि की मोम की प्रतिमा लगाई गई है। इस तरह कंपनी गार्डन अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर सिंह रोशेला की रिपोर्ट।